जानना चाहेंगे और हम आपने देखा गजानन चतुर्वेदी और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाए हैं पराग पाटिल जी ने और शुभकामना है एक्टर और एक्ट्रेस को भी जिन्होंने अच्छा काम किया है और मज़ा आ रहा है फिल्म देखने में मज़ा आ रहा है और जब मज़ा आए तो ही फिल्म अच्छी लगती है और अच्छी बनती है। पूरी फिल्म की बात करें तो क्या खासियत, देखिए खासियत क्या है, खासियत जो कहानी बनाया है और कहानी के अनुरूप कॉमेडी है और देखिए आज के लोगों को कॉमेडी चाहिए वर्गल नहीं चाहिए और कहानी के साथ साथ जो कॉमेडी का दौर चल रहा है और लाइनअप से फिल्म आगे बढ़ रही है। कहानी में पराग का पंच नजर आ रहा है, बहुत जबरदस्त पंच आ रहा है, बहुत जबरदस्त और अच्छा लग रहा है। शुभकामना है यश को भी, पराग को भी, उनकी पूरी टीम को। फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म में तीन तीन हीरो हैं, कुत्ता, बंदर और यश कुमार, उसमें से हीरो कौन है, मेन हीरो कौन है? तीनों हैं, तीनों हैं, तीनों हैं और डायरेक्टर का कमाल है कि तीनों से अच्छा काम लिया है। गाने की बात करें तो गाना कौन सा पसंद आया आपको? सारे गाने अच्छे हैं। दुनिया के बिल में कोई गाना है? हाँ है, लेकिन सारे गाने जो हम देखिए गा नहीं सकते, हम गायक नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है जो पहला गाना मुझे टच किया, मज़ा आया, दो नतिया के बिल में है। नहीं नहीं, उससे जो पहले था, पहला गाना था वो, अच्छा पहला था गाना था वाला आपको पसंद नहीं? नहीं, वो भी अच्छा आया, गाने सारे अच्छे हैं लेकिन उसमें एक मज़ा आया, गुदगुदी थी गाने। मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी, आरटीआई एक्टिविस्ट और विश्व हिंदू परिषद से हूँ मैं। ये पिक्चर देखा मैं और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, कलाकार जो हैं और डायरेक्टर जो हैं काफ़ी मेहनत किए हैं और एक पारिवारिक फिल्म है, परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई वल्गर नहीं है और मेरी तरफ से सभी कलाकार और फिल्म में जितने भी टीम में काम करने वाले हैं सबको शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पाँच में से कितने नंबर देना चाहोगे इसमें? पाँच में से 5.5 दूंगा मैं। 5.5? 5.5। यस 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 यस। चलिए सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कैसी लगी फिल्म? जी मेरा नाम यादवेंद्र यादव है और पिक्चर के बारे में तो जितना तारीफ करूँ उतना कम है, माइंड ब्लोइंग, एक्सलेंट पिक्चर और पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा जो बोलते हैं आज देखने को मिल रहा है और उम्मीद से ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। तीन दे ही देंगे हम, क्योंकि काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और पराग पाटिल जो हमारे इसके पहले फिल्म के रंगदारी टेस्ट के डायरेक्टर थे और इसके डायरेक्टर हैं, काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं यश मिश्रा जी को और ऑडियंस से यही कहूंगा कि आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी अच्छी, काफ़ी मेहनत से अलग हट के फिल्म बनाई गई है, कसम पैदा करने वाले। जी पराग का पंच नज़र आ रहा है? हाँ जी, स्टाइल सिनेमा पराग पाटिल जी का तो पंच साउथ वाली बात तो आती ही है क्योंकि वो हिंदी टाइप की फिल्म बनाते हैं, जो भी फिल्म उनका एक्शन से भरपूर रहता है तो अच्छी बात है ये। थैंक यू, नमस्कार। चलो चलो, सर आप क्या कहना चाहेंगे? कसम पैदा करने वाली फिल्म की बात करें तो कैसा लगा आपने फिल्म देखा? जी मैं जस्ट अभी फिल्म देखा और देख रहा हूँ, बहुत बेहतरीन है। फर्स्ट हाफ अभी हमने पूरा देखा और काफ़ी उम्दा काम किया यश कुमार ने, निर्देशन भी अच्छा है, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लग रही है अभी तक जहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ बहुत बेहतरीन लग रहा है, कुत्ते बंदर ने कमाल का काम किया है तो नो डाउट फिल्म बहुत बेहतर है। हीरो कौन है, कुत्ता है, बंदर है या यश कुमार? नहीं, हीरो तो यश कुमार है लेकिन एक सपोर्ट में जो है, एक हम कहते हैं जानवर की बात, कि जानवर अगर इंसानों से प्यार करता तो इंसान के लिए क्या कर सकता है, वो इस सिनेमा में दिखाया गया है। तो हीरो तो खैर यश कुमार ही हैं लेकिन उनके साथ दो सहयोगी हैं। बहुत बेहतरीन भोजपुरी फिल्म है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन गाना बनाया गया है। उसमें कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे जो आपको दिल के छू गई हुआ? गाने तो वैसे सभी छू रहे हैं जो भी हैं, अब सिंगर तो नहीं हूँ मैं, क्या गुनगुनाऊँ? लेकिन वो नथनिया पे बोली क्या, फंस गया दिल, हाँ गाना है, क्या फंस गए दिल नथुनी के बिल में। जी क्या कहना चाहोगे यश कुमार के बारे में, यश कुमार जी को अगली फिल्म आप बनाने वाले हो, बना रहे हो, क्या कहना चाहोगे यश कुमार का काम कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लगा यश कुमार जी का फिल्म देख के, कसम पैदा करने वाले की। बहुत अच्छी मूवी है, इमोशनल है, एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग की भी मूवी आ रही है रुद्रा करके, जो अगले महीने रिलीज़ होगी, ट्रेलर भी लॉन्च हो जाएगा अभी। बहुत अच्छी मूवी लगी। सर फिल्म कसम पैदा करके बहुत अच्छी फिल्म है, और बाकी का मेरी भी नेक्स्ट फिल्म मूवी आ रही है रुद्रा, जो बहुत अच्छी रहेगी, इससे अच्छी फिल्म रहेगी। बस सर बाकी जी आइए। हेलो कौन? हाँ पराग जी, क्या कहना चाहोगे? कितनी खुशी हो रही है फिल्म जब इतना बम्पर ओपनिंग मिलता है और पब्लिक का इतना मतलब रिस्पॉन्स जो जबरदस्त है, कितनी खुशी होती है एज ए डायरेक्टर? सबसे पहले तो मैं सभी मेरे भोजपुरी दर्शकों को पराग पाटिल के नमस्कार, और कहना ये चाहूँगा कि खुशी तो मिलती है जब आपके काम को सराहना मिलती है, तो ढेर सारी खुशी मिलती है, और ये खुशी मेरे अकेले की नहीं है, ये खुशी की वजह बहुत सारे लोग हैं, सारी यूनिट है, सारे मेरे टेक्नीशियंस हैं, सारे मेरे कलाकार हैं, तो मैं मेरी इस खुशी में सभी लोगों को शामिल करना चाहता हूँ। आप ये मानते हैं कि इसमें पराग का पंच नज़र आ रहा है? पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का तो पंच हर फिल्म में रहता ही है, लेकिन आपके पंच को जब दर्शक सराहते हैं तो मज़ा कुछ और होता है, मज़ा दुगना मिलता है। सीटियाँ जब बजती हैं कानों में कितना आनंद आता है? बहुत अच्छा लगता है। आपने जो सोचा होता है, आपने जो एग्जीक्यूशन किया होता है, वो सारे एग्जीक्यूशन पे आपको सराहना मिलती है। और पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा में अपने आप को कहलाता हूँ, लेकिन मैं 110% मेरे सपोर्टर्स और मेरे डायरेक्शन टीम के ऊपर निर्भर होता हूँ, जिसके वजह से मैं अपने आप को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा कहलाता हूँ। सबसे पहले ये है मेरी टीम, राकेश भैया मेरे बड़े भाई, मनोज, कन्हैया, ये पूरे सपोर्टर्स हैं मेरे, जो मुझे हर फिल्म में मेरे डायरेक्शन में मुझको सपोर्ट करते हैं, मुझको राह दिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे चलना है, ये नहीं ये करना है, मैं इनसे हूँ, ये मुझसे नहीं। यश कुमार और कुत्ता, एक कुत्ता है एक बंदर है, तो तीन तीन हीरो अपना यश कुमार के अलावा दो हीरो इसमें जब और हैं। जब क्या कुछ ऐसा कुछ कारण रहा है पराग जी की इसमें उन दोनों को सिमिलर रखा गया है, उसमें कोई हीरो नहीं नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तब हमारे तन्वी मल्टीमीडिया के ओनर मिस्टर दीपक शाह, उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि पराग इस फिल्म के तीन हीरो हैं, कुत्ता, बंदर और यश। तो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पर गो थ्रू की तो कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बेसिकली स्क्रिप्ट इतनी जुड़ी हुई है, कुत्ता बंदर भी इस तरीके से हीरो से जुड़े हुए हैं, कि इनको एक पैरेलल निर्देशन देना, एक पैरेलल ग्राफ में रखना बहुत ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी था। यश का काम कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे यश के बारे में, और खास करके गाने जो है वो कमाल? गाने हमारे छोटे बाबा और धनंजय मिश्रा का म्यूज़िक निर्देशन है इस फिल्म में, और उन्होंने बखूबी गाने अच्छे किए हैं। मेरे कोरियोग्राफर्स मयंक श्रीवास्तव, रिकी गुप्ता, कानू दादा, इन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे पहली बात अगर यश की बात कही जाए तो यश एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे एक्टर है, तो यश जैसा एक्टर मिलना एक हर एक निर्देशक की दिली ख्वाहिश होती है, कि आपके स्क्रिप्ट को आपके कॉन्सेप्ट को समझ के एक एक्टर बखूबी निभाए। बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि आर्टिस्ट भगवान होते हैं, और मैं सब बोलता नहीं क्योंकि समझता हूँ कि एक कैमरा के पीछे रह के अगर मैं कुछ भी विजुलाइज़ करूँ या कुछ भी सोचूँ कि ये चीज़ ऐसे ही हो जाए या चीज़ वैसी हो जाए, लेकिन जब मैं एक्शन बोल देता हूँ तो मैं एकदम ज़ीरो हो जाता हूँ और सारे कलाकार हीरो हो जाते हैं। पराग जी आखिरी सवाल चलते चलते, हमने सर्वे किया, 5 नंबर मांगा लोगों से, लोगों ने 3 दिया, किसी ने 3.5 दिया, 5 किसी ने नहीं दिया, क्या कमी रह गई है? शायद से कुछ कमी होगी। देखिए हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ, नोबडी इज़ परफेक्ट, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह ही जाता है, तो जो थोड़ा बहुत है मैं सोचूंगा कि अगली फिल्म में पूरी करने की कोशिश करूंगा। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाद यश को यश मिला है, फिल्म अच्छी चल पड़ी है, थैंक यू सो मच। मिली है यश कुमार, क्या कहना चाहोगे जब दर्शकों का इस प्रकार से रिएक्शन मिलता है, कानों में सीटियां बजती है, कैसा फील कर रहे हैं, पहला रिएक्शन यश कुमार का कैसा होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं उन दर्शकों का, अपने तमाम भोजपुरी जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे वो दर्शक हैं जो भोजपुरी सिनेमा को देखते हैं,
मैं सबका दिल से यार पैर छू करके प्रणाम करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि मैं बैठा हुआ हूँ, देखिए मुझे पसीने कैसे टपक रहे हैं, हीरोइनों को कैसे टपक रहे हैं पसीने, इन्हीं पसीनों में सिनेमा घर को हाउसफुल बना करके, सिनेमा घरों में खचाखच 350-400 पब्लिक भर करके फिल्म देख रही है कंटिन्यू 2:45 तो उन लोगों को कितना पसीना टपक रहा होगा। मैं उन हर दर्शकों को भैया दिल से प्रणाम करता हूँ, दिल से नमस्कार करता हूँ जो लोग ये फिल्म को देख करके इतनी बड़ी हिट करवा रहे हैं। दर्शकों का ये रिस्पॉन्स जो मिला है इस फिल्म को, कसम पैदा करने वाले कि बिहार और सॉरी मुंबई और गुजरात में, मैं यही चाहूँगा कि जब बिहार में सितंबर में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, यही रिस्पॉन्स बिहार में सब लोग दें, यही दिल से कामना है। रितु, थिएटर में जब दर्शक बैठे थे उनकी सीटियाँ निकल गई, क्या कहना चाहोगे अपने परफॉर्म पे? मैं अपनी परफॉर्म पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जब दर्शक और ऑब्वियसली देख रहे हैं और वो हमारे सामने, मैं तो वहाँ पीछे ऑडियंस में बैठी थी ऊपर और मैं उनकी रिव्यू सुन रही थी, उनकी रिएक्शन सुन रही थी हर एक चीज़ में, खुद मुझे हंसी आ रही थी। मुझे इतना अच्छा, एक कलाकार होने के नाते मुझे इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और नहीं हो सकता कि मेरे सामने ऑडियंस है, मेरी मूवी चल रही है और उनके रिएक्शन मैं देख रही हूँ, इवन पॉजिटिव रिएक्शंस, तो आई एम वेरी ग्लैड। आपका पहला रिएक्शन क्या कहना? मेरा पहला रिएक्शन, सबसे पहला मैं खुश हुई ऑब्वियसली, क्योंकि हम सब ने जो मेहनत किया है वो दिख रहा है हर डायलॉग्स पे, एक्शंस पे, हमारे पब्लिक, हमारे जनता रिएक्शन दे रही है, खुश हो रहा है। तो हम एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जो मेहनत करते हैं वो दिखता है, अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो सामने उनका भी, वो भी रिएक्शन आता है, अगर हीरो हीरोइन को छेड़ता है या हीरोइन हीरो को छेड़ता है तो वो भी रिएक्शन आता है, तो इट्स प्लेजर, इट्स रियल, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है हम तीनों बैठ के कमेंट सारे सबके रिएक्शन देख रहे हैं, स्टॉप देम कि आप ऐसा नहीं, exactly, आपने रिएक्शन रियल रिएक्शन कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हमें सबका रिएक्शन देख के। एंड बस यही गुजारिश हम तीनों की तरफ से, हम सारे क्रू से रहेगा कि आप कसम पैदा करने वाली की जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है एंड मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आप उस फिल्म से कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी, एक एक ऐसे ऐसे सीन्स है जिसे इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है कि एज एन एक्टर आई विल एक्चुअली अप्रिशिएट हिम, आई विल अप्रिशिएट हर एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैं भी। पराग पाटिल की बात करें तो उनका पंच नजर आ रहा है आपको इस फिल्म में? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैंने उनके साथ दूसरी फिल्म की है ये, उनके साथ मैंने जब रंगदारी टैक्स की थी, तो पराग पाटिल का एक अलग सिनेमा होता है, एक स्टाइल सिनेमा के नाम से उनकी फिल्में जानी जाती हैं। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था रंगदारी टैक्स, भोजपुरी में पहली बार हमने रियल कथा पे फिल्म बनाई थी श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर, तो उसी समय मैं उनके काम से इंप्रेस्ड हुआ था, मैंने कहा पराग पाटिल इज डिफरेंट डायरेक्टर और उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आने वाला है, और अपने सिनेमा के दौर से, अपने सिनेमा के स्टाइल से अलग निकल करके पराग पाटिल ने कसम पैदा करने वाले की बनाया है जो सिनेमा घर में बूम बूम कर रही है। तो पराग जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं और आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इवन मैंने काम कर भी लिया है उनके साथ कसम पैदा करने वाले की बात। रितु, यस यस जी जी, आपके पास आता हूँ। रितु, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत फिल्मों में काम किया, बहुत फिल्मों में किस किया है, देखिए ऐसा है कि यश कुमार बिना किस के रहिए ना सके ना, मजाक कर रहा हूँ। जैसे मेरी एक्शन राजा आई थी उसमें किसिंग सीन नहीं था, रंगदारी में किसिंग सीन नहीं था, अभी मेरी आ रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें किसी कहा जाता है सूत्रों से खबर मिलती है आप मौका छोड़ते नहीं है। देखिए वो मर्द ही नहीं हो जो मौका छोड़ दे, वो भोजपुरी मर्द ना हो सकेला। और मौका, ये तो खैर एक मजाक हो गया, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, आप कॉन्सेप्ट के साथ किस करें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मेरी रुद्रा आ रही है उसमें कहीं पर भी कोई किसिंग सीन नहीं है, इसके बाद से मेरी एक और फिल्म नागराज बनने जा रही है, नागराज में एक किसिंग सीन है लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा वो किसिंग सीन की किस तरीके से है। मोहब्बत जिंदाबाद में किसिंग सीन नहीं है, जितनी फिल्में आ रही हैं किसिंग सीन नहीं है, किस मैं वहीं करता हूँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। और रितु मुझे बहुत पहले से पसंद थी तो मैंने सोचा कि ऑफ स्क्रीन तो कोई दाल गलता नहीं है, ऑफ स्क्रीन कोई दाल गलता नहीं है तो ऑन स्क्रीन को किस कर लिया जाए। तो ऑन स्क्रीन पहली बार मैंने इनको इंटरवल के पहले किया है, बहुत लोग देख रहे हैं शायद आपको फिर अगली बार। यस यस यस, इंटरवल के पहले मैंने किस किया है, इंटरवल के बाद इन्होंने बदला निकाला है मुझे किस करके। नेक्स्ट टाइम के लिए गॉड नोस क्या होगा, आई डोंट नो, लेकिन इस मूवी में किसिंग सीन में इतने खुद को इतना प्रिपेयर किया है वो बस मैं ही जानता हूं।
और मैं अगली बार भी मैं सोच के समझ के फिल्म करती हूँ यार, किसी सीन तो नहीं है यार, मेरे साथ होगा नहीं यार। ये सिर्फ किसिंग सीन मेरे साथ कर सकती है, बाकी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, बाकी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। सर, मेरा जैसे कि आपने कहा कि अब तक की भोजपुरी की तीन दिन की कलेक्शन सबसे ज्यादा निकली है, बताना चाहेंगे कितना प्रोड्यूसर को फायदा हुआ है, कितना कलेक्शन? मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर के अकाउंट में मुंबई और गुजरात के टेरिटरी से कम 20 लाख रुपए आएंगे, कम से कम प्रोड्यूसर के अकाउंट में 20 लाख रुपए आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म को एमजी अमाउंट में लिया हुआ है, वो आप लोगों को कलेक्शन भी बताएंगे। मैं चाहूँगा कि उन लोगों से, उनसे एक बार आप वो करें। एक डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है जो फिल्म का कलेक्शन बताता है। मैं कलेक्शन क्यों बोला, कुछ लोग होते हैं, मैं एक भोजपुरी ऑडियंस हमारी इतनी अच्छी है कि अच्छे सिनेमा को हमेशा प्यार देती है, लेकिन कुछ लोग जो पीठ पीछे अच्छी चीज़ों को अप्रिसिएट नहीं करते हैं, वो लोग फंसे हुए आज भी ना जाने चमचागिरी में। क्या मिलता है उनको चमचागिरी से कि कुछ ही लोगों की चमचागिरी, कुछ ही लोगों की फिल्म फ्लॉप है बुरी तरीके से, तो उसको भी सुपरहिट का ठप्पा लगाते हैं कि ये फिल्म सुपरहिट है, जबकि थिएटर से मुंबई के थिएटरों में वो अपना भाड़ा तक नहीं निकाल पाई हैं मुंबई के सिनेमास का, जो मेरे पास प्रूफ है। अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास आए और मैं वो दिखा दूँ। बीस लाख, दस लाख, पचास लाख, मुझे इससे कोई नॉलेज नहीं है प्रोडक्शन का। ये प्रोड्यूसर है, ऐसे एक्टर भी है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी मूवी का, जो रिएक्शन जा रहा है पब्लिक का, मैं बस उसको देख खुश हूँ। और ऑब्वियसली ये एक्टर भी हैं और दीपक शाह जी प्रोड्यूसर हैं, तो इनका क्या है कि मूवी से इतना कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो इनका अपना एक नज़रिया है जो प्रॉफिट के व्यू से देख रहा है, लेकिन मैं ऑडियंस को देख के ही गदगद हूँ। बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, इसलिए खुशी हो रही है कि एक अच्छी फिल्म, जो जिस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो जिसे फिल्म कहा जाता है, अगर वो फिल्म निकल रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो हम सारे एक्टर्स को, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने सही कहा कि कुछ कुछ फिल्म ऐसे होते हैं जो, माफी चाहूंगी मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, बट कुछ कुछ फिल्म ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि क्या बनाया आपने, बट कहने के लिए सुपर डुपर हिट है, जो नहीं होती है, जस्ट दिखावटी है। एग्जैक्टली, कहने के लिए लगता है आपको बदलाव आया है भोजपुरी में, कोई अच्छी फिल्म में आया है? भोजपुरी फिल्म में बदलाव ये है कि मैं बहुत अच्छा, देखिए जब मैं शुरू में आया था, श्रेय किसको जाता है, यश कुमार को, किसी और? नहीं, मेरे दर्शकों को श्रेय जाता है। वजह क्या है कि यश कुमार तो सिंगर नहीं है, उसके बाद भी चल रहा है, दिनेश भैया सिंगर हैं, पवन जी सिंगर हैं, खेसारी जी सिंगर हैं, इन्हीं के बीच में मैं आया था और दिलदार समरिया फिल्म लेके, और उस समय के पहले कम से कम 150 लड़के ऐसे लॉन्च हो चुके थे जो बॉक्स ऑफिस पे चले ही नहीं, उनको दर्शकों ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि यार मैं चल पाऊंगा कि नहीं। उसके पहले मैं योगा सिखाता था, मैं फिर हीरो बनने को तो योगा भी नहीं सिखा सकता हूँ, बहुत सारी कश्मकश थी मेरे सामने, लेकिन मैं भोजपुरी दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ, नतमस्तक हूँ उनके सामने, पैर छूकर उनको प्रणाम है, जिन्होंने सिंगर ना होते हुए मेरी पहली फिल्म दिलदार समरिया से ये मुहर लगा दिया कि यश कुमार हम आपको चाहते हैं, हम आपको प्यार देते हैं। और वही वजह है कि आज मेरे सामने मेरे थिएटर्स में हजारों की संख्या में दर्शक हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यश कुमार की मेहनत और मेरे भोजपुरिया दर्शकों का आशीर्वाद और प्यार है, नथिंग एल्स। इसके साथ ही सर लंदन में अवार्ड शो हो रहा है, आप फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, तो इस अवार्ड शो के बारे में कुछ बताना? सर मुझे अवार्ड उसी दिन मिल जाएगा, जो मेरे को अवार्ड मिल गया सर, फ्राइडे को मिल गया, इसलिए फ्राइडे को अवार्ड मिल गया। मैं लंदन में जाता तो शायद ये दर्शकों को छोड़ देता। आप देखिए, मैं दर्शकों के बीच में डांस करता हूँ, मैं दर्शकों से बात करता हूँ, भैया भैया बोल करके जब चिपकते हैं, जब सीने से लगते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे अपने भाई मेरे सीने से लग रहे हैं। मेरे घर में दो वक्त की रोटी इन्हीं से है ना, उस अवार्ड से नहीं है जिस अवार्ड को ला करके मैं एक जगह सजा दूँ और उसका 4 फोटो मीडिया में डाल दूँ। मेरा अवार्ड है मेरे दर्शकों का प्यार, जो मैं हमेशा चाहूँगा। मुझे कोनो अवार्ड मत दजा मरता, हमारा अवार्ड अवार्ड ना चाहिए, हमारा कहीं नहीं के जाए के भैया दर्शक लोग इतना प्यार दजा के हमारा हर फिल्म हिट हुई उहे अवार्ड बा, तो लोग उनका दिया अवार्ड बा, यही चाहिए। आखिरी सवाल उसके पहले गाने के पहले, हमने एक सर्वे किया जिसमें पूछा कि 5 इस फिल्म को 5 नंबर में से कितने नंबर देने चाहिए, तो किसी ने 3 दिया, किसी ने 3.5 दिया, 5 किसी ने नहीं दिया, कुछ कमी रह गई यश कुमार इस फिल्म में? जी 5 हो जाएगा जिस दिन, उस दिन मैं शायद मेहनत करना बंद कर दूँ। थैंक यू ऑडियंस, जिसने आपने 3 और 3.5 दिया मेरी फिल्म जो सुपर हिट है। वैसे भी आपको बता दें कि 2.5 स्टार रेटिंग दैट मीन्स फिल्म अच्छी, 3 स्टार रेटिंग मतलब बहुत अच्छी, 3.5 स्टार रेटिंग मतलब बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी लगी आप लोगों को, मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो 1.5 स्टार आप लोगों ने कम दिया है, मैं कोशिश करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि आने वाली अपनी फिल्मों में 5 स्टार रेटिंग आप लोग खुद देंगे मुझे, आप लोगों को प्राउड होगा यश। चलते चलते एक और आखिरी सवाल जी, गाना है उसमें एक नथनिया के बिल में, क्या है वो गाना? कि दिल पे चला वे आरी तो हर नैना कारी कारी,
आंखियां इनका करिया नहीं है लेकिन फिर भी कह देता नहीं नशीली आंखें हैं गुरु इनकी कातिल एकदम कि दिल पे चला बे यारी तो हर नैना कारी कारी ब्यूटी के खजाना देखो करे बमबारी देखी के रूप परल बहनी मुश्किल में फसल बादिल फसल बादिल तोरा नथिया के बिल में फसल बादिल तोरा नथिया के बिल में इगनामा हम ही गौरवानी थैंक यू सो मच थैंक यू लव यू ऑल लव यू ऑल।